सूडान में चल रहे गृह युद्ध से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सेना और पैरामिलिट्री के बीच हिंसक झड़पों का शिकार आम जनता हो रही है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं जबकि हजारों लोग घायल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की प्रवक्ता डॉक्टर मार्गरेट हैरिस ने संयुक्त राष्ट्र की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सूडान में हो रहे संघर्ष में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3,500 से ज्यादा लोग घायल हैं। उन्होंने कहा कि सूडान में 15 अप्रैल के बाद से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 अटैक हुए हैं, 20 से ज्यादा अस्पताल बंद हो गए हैं और 12 बड़े अस्पताल बंद होने की कगार पर आ गए हैं। अगर यही हालात रहे तो लोग इलाज कहां कराएंगे? ये हालात बेहद भयावह हैं। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री के बीच 15 अप्रैल से भीषण युद्ध चल रहा है। सेना के खिलाफ जंग छेड़ने वाले अर्धसैनिक बल को सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF कहा जाता है। ये जंग सूडान सेना के कमांडर जनरल अब्दुल फतेह बुरहान और RSF के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो के बीच हो रही है। जनरल बुरहान और जनरल डगालो कभी साथ साथ ही काम किया करते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। इसकी वजह है दोनों के बीच मनमुटाव। खबरों के मुताबिक दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने को लेकर एक राय नहीं बन सकी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सेना ने प्रस्ताव रखा था जिसके तहत RSF के 10,000 जवानों को सेना में शामिल करने की बात थी, लेकिन फिर सवाल उठा कि सेना में पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन होगा। इस बीच सूडान के अलग अलग हिस्सों में पैरामिलिट्री फोर्स यानी RSF की तैनाती बढ़ने लगी, जिसे सेना ने उकसावे और खतरे के तौर पर देखा। परेशानी की बात यह है कि सूडान की सेना और RSF की जंग का कहर आम जनता पर टूटा है। सबसे ज्यादा खराब हालात सूडान की राजधानी खार्तूम में है। एयरपोर्ट और स्टेशन समेत कई अहम ठिकानों पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है। सूडान के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जनरल बुरहान और जनरल डगालो के बीच वर्चस्व की लड़ाई कब खत्म होगी और आम जनता को राहत मिलेगी। इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें और सब्सक्राइब करें आज तक।